सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट एयर कूल सिस्टम यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन को, इसे ऑल पे करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज, आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्टर एसी का ऑल टाइप सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी में कितने टाइप के सेंसर यूज़ किए जाते हैं और जितने टाइप के भी सेंसर यूज़ किए जाते हैं वो सब सेंसर का क्या काम है, कितने टेम्परेचर में वो सब वर्क करता है और वो सब सेंसर क्यों दिया गया है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी था, जिसको ऑन ऑफ मॉडल बोलते हैं या डायरेक्ट कूल बोलते हैं, उसमें दो टाइप का सेंसर था। पहला था एयर सेंसर, दूसरा था कॉइल सेंसर। तो पहले हम बात कर लेते हैं एयर सेंसर का क्या काम है और कॉइल सेंसर का क्या काम है। पहला जो हम लोग सेंसर यूज़ करते हैं उसको एनटीसी टाइप बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट बोलते हैं हम लोग। ये एनटीसी टाइप का सेंसर यूज़ करते हैं। इसका वर्क सेम, उसका वर्क जो है वो उल्टा होता है। जैसे कि इसका रेजिस्टेंस अगर हम चेक करेंगे तो हाई टेम्परेचर में लो रेजिस्टेंस बताएगा और लो टेम्परेचर में हाई रेजिस्टेंस बताएगा। इसको चेक करने का जो तरीका है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि सेंसर कैसे चेक किया जाता है। अब आते हैं हम लोग सेंसर जो हमारा यूज़ किया गया है इन्वर्टर एसी में, पाँच टाइप का सेंसर, पाँचों सेंसर कितने टेम्परेचर में काम करता है और क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पहला आता है इंडोर का। इंडोर में हम लोगों का दो टेम्परेचर दिया, दो सेंसर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को पता है नॉन इन्वर्टर में भी दो सेंसर होता था, इन्वर्टर में भी दो सेंसर ही है। पहला एयर सेंसर है, एयर सेंसर दिया गया है वो आप सबको मालूम है कि एयर सेंसर जो दिया गया है वो हम लोग को एयर रूम का टेम्परेचर को सेंस करने के लिए दिया गया है। हम लोग जितना भी टेम्परेचर में अगर एसी को रखते हैं उतना टेम्परेचर आ जाता है। अगर एयर सेंसर उतना टेम्परेचर को अगर सेंस कर लेता है कितना टेम्परेचर आ गया है, तो वो कंप्रेसर को ऑफ करता है, आपका जो डायरेक्ट कूल है उसमें ऑफ करता है और आपका इन्वर्टर एसी है उसमें इसको स्पीड को स्लो करता है। ये हो गया। दूसरा है कॉइल सेंसर। कॉइल सेंसर जो हम लोग का इंडोर में यूज़ किया जाता है उसका टेम्परेचर है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। अगर उससे नीचे आता है या माइनस टेम्परेचर में जाता है तो उसमें DF का एक ऑप्शन आ जाता है, डिफ्रोस्ट का, जिसमें आपको DF शो करेगा, डिफ्रोस्ट मोड में चल जाता है मशीन, या तो फिर 5 टेम्परेचर से ऊपर जाता है, मतलब 10 टेम्परेचर अगर आपका इवेपरेटर का कॉइल सेंसर का अगर 10 टेम्परेचर है, 15 टेम्परेचर है, तो वो 1 मिनट 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मशीन को बंद कर देगा। वो सेंस करेगा कि मशीन में गैस नहीं है, कूलिंग नहीं हो रहा है, वो बंद कर देगा। ये हमारा कॉइल सेंसर का काम है। अब आते हैं हम लोग आउटडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट में हमारा 3 टाइप का सेंसर है। पहला एयर सेंसर है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर। दूसरा है हाई टेम्परेचर सेंसर जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन पर लगा हुआ होता है, उसको हाई टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। तीसरा है हम लोगों का कंडेंसर में, जो आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर होता है उसका जो लो टेम्परेचर साइड होता है, मतलब कंप्रेसर जो निकलता है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस रहता है, तो उसको कंडेंसर क्या करता है कि उसको लो, मतलब हाई प्रेशर ही रहता है पर टेम्परेचर को डाउन करता है। तो वहाँ पे एक नीचे साइड में जहाँ से टेम्परेचर, मतलब गैस हम लोग का टेम्परेचर डाउन होकर जहाँ से आता है वहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं एम्बियंट टेम्परेचर का, जिसको हम लोग एयर सेंसर अभी बोले आउटडोर में। अगर हम लोगों का एम्बियंट टेम्परेचर का टेम्परेचर है 50 डिग्री से 55 डिग्री, 5 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो अगर 60 या 55 से टेम्परेचर ऊपर जाता है, मतलब एम्बियंट टेम्परेचर बाहर का जो टेम्परेचर है जो वो एयर जो खींच रहा है अगर वो 55 से ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों का मशीन जो है वो या तो इरर शो करेगा नहीं तो कंप्रेसर का जो स्पीड है वो स्लो कर देगा। क्योंकि इसलिए ये सब सेंसर दिया गया है, ये सब प्रोटेक्शन है। हम लोग जो R32 गैस यूज़ किए या 410 गैस यूज़ किए हैं उसमें हम लोग का क्या सिस्टम है कि हम लोग गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर में अगर मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और कंप्रेसर उस हिसाब से रन कर रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा तो कंडेंसर कंप्रेसर फटने का डर है, इसीलिए उसमें सेंसर लगाया गया है कि इसमें कोई भी हादसा ना हो पाए। तो एम्बियंट टेम्परेचर के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि एम्बियंट टेम्परेचर अगर 50-55 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो कंप्रेसर का स्पीड स्लो कर देगा या कंप्रेसर को ऑफ कर देगा या इरर आ जाएगा। ये है हम लोगों का एम्बियंट टेम्परेचर का। अब आते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर सेंसर। हाई टेम्परेचर सेंसर का जो डिस्चार्ज है, हम लोग कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लेना है, वो जब गैस को पंप करके ढकेलता है तो उसका 90 से 115 टेम्परेचर होना चाहिए। 115 से अगर ज़्यादा जा रहा है, उससे ज़्यादा हीट हो रहा है, उससे ज़्यादा हीट कब होगा, जब हम लोग का मशीन में ज़्यादा गैस हो जाए, ये कंडेंसर फैन नहीं चल रहा या बहुत डाल देते हैं उसके कारण भी ज़्यादा हीटिंग हो जाता है। तो अगर 90 से 115 टेम्परेचर जाएगा तो भी हम लोगों का कंप्रेसर का स्पीड स्लो हो जाएगा या कंप्रेसर बंद हो जाएगा या इधर आ जाएगा। ये सब प्रोटेक्शन है एक तरह से कि या कुछ प्रॉब्लम ना हो।
अब आता है हम लोग का कंडेंसर में जो लो टेम्परेचर साइड लगा हुआ है उसका टेम्परेचर है 52 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इससे भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अगर इससे ज़्यादा हो रहा है 60 डिग्री से अगर ज़्यादा हीट हो रहा है टेम्परेचर अगर सेंस करेगा कि 60 डिग्री से ज़्यादा हीट हो रहा है तो इसमें हम लोगों का कंप्रेसर का स्पीड भी स्लो हो जाएगा। इसलिए स्लो हो जाएगा क्योंकि वो सेंस कर लेगा कि या तो कंडेंसर हम लोगों का गंदा है, डस्ट से जाम हो गया, इसके कारण हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, आपका जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस है उसका टेम्परेचर डाउन नहीं कर पा रहा है, या फैन का स्पीड स्लो है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको ही पता है नन इन्वर्टर में हम लोग देखे हैं कि अगर फैन स्पीड स्लो रहता है या कंडेंसर जाम होता है तो प्रेशर बढ़ने के कारण कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप कर जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसीलिए उसको लगाया गया है। अगर हम लोगों का आउटडोर जाम हो या फैन का स्पीड स्लो हो तो वो टेम्परेचर सेंस कर लेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक मशीन को ऑफ करेगा या मशीन को इरर शो कर देगा। फ्रेंड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपको लोगों को फिर से समझाने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक और फ्रेंड बात, अगर आप लोगों को सेंसर चेक करने नहीं आता है तो मैं उसका एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।